तो क्या बोलती पब्लिक, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट जॉन। एकदम नई फ्रेश वीडियो में तो वही मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा, जब से आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हुई है और इनकी प्राइस आप पूछो मत लाखों में गई है, आप अंदाजा लगा सकते हो। वही मैं बात करूँ तो लोग आईफोन क्यों पसंद करते हैं और वही बताओ आईफोन में है ऐसा क्या, और वही बताओ एंड्रॉयड यूजर्स एंड्रॉयड को क्यों पसंद करते हैं, तो वही मैं बताऊँ तो आईफोन और एंड्रॉयड में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, लोग ज़्यादातर आईफोन को क्यों पसंद करते हैं और मैं बताऊँ एंड्रॉयड को भी लोग पसंद करते हैं, जो एंड्रॉयड चलाता है वो एंड्रॉयड को पसंद करता है और जो आईफोन चलाता है वो आईफोन को पसंद करता है, तो इसमें एक्चुअली है क्या, इन दोनों में अंतर क्या है, तो इस वीडियो में ये जानने वाले और आपका पूरा कंफ्यूजन दूर दीजिएगा आईफोन और एंड्रॉइड आप करते हो तो सिर्फ आपको कुछ नहीं, वीडियो टिल एंड तक देखना है, बहुत ज्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। पहले आप ये जानिए आईफोन्स में क्या खास आपको देखने को मिलता है, तो वही मैं बात करूँ तो ये अमेरिका की कंपनी बनाती है जो एप्पल आईफोन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूँ तो ये आपको जो देखने को मिलता है इसमें एलईडी प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो कंपनी साथ में बनाती है, और वही मैं तो क्वालिटी के लिए भी ये जानी जाती है ये कंपनी जो ये फ़ोन्स बनाती है, और वही मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में, मतलब आप समझ सकते हो इतने महंगे होने के बाद भी इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है आईफोन्स को। तो मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो आपको आईफोन में सिक्योरिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है एंड्रॉयड की तुलना में, तो आपको तो लग सकते हो वही मैं बात करूँ तो फ़ोन हो गया और जो भी इसका डेटा रहता है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर रहता है आईफोन्स में आपको देखने को मिलता है। वही मैं बात करूँ तो जो ये एप्पल कंपनी है वही मैं बात करूँ तो अपनी खुद ही, मतलब खुद अपने डिज़ाइन करती है, वही बात तो हार्डवेयर हो गया सॉफ्टवेयर का, जिससे कंपनी को पता चलता है कि क्या दिक्कत आपको जो आईफोन्स में देखने को मिल रही है, जिससे अगर आपको कोई दिक्कत भी देखने को मिलता ऐसे तो देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत देखने को मिल जाती तो अथॉरिटी जो सेंटर आपको देखने को मिलते हैं आईफोन से उसमें जाके आप बहुत इजीली ठीक करवा पाओगे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, जिससे अगर आपको कभी भी परेशानी देखने को मिले भविष्य में तो इजीली आप सही भी करवा सकते हो। ये आपको लिमिट मॉडल्स की मार्केटिंग देखने को मिलती है, और वही मैं बात करूँ तो जो आईफोन्स में अगर बात करूँ तो ऐप्स की, तो वही मैं बात करूँ जैसे आपको एंड्रॉइड में बहुत सारी ऐप्स आपको देखने को मिल जाती, ऐसे आईफोन्स में आपको नहीं देखने को मिलती, आईफोन में आपको लिमिट ऐप्स देखने को मिलती है, और वही बात हो तो क्वालिटी ऐप्स देखने को मिलती है, और अगर बात करूँ तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो वही बात हो तो टेक जो आईफोन से वो भी टेक्नोलॉजी पे अपडेट रहती रहती है, मतलब आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही अपडेट करती रहती है, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है आईफोन्स में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो, आपको पता भी होगा। वही मैं बात करूँ तो जो आपको आईफोन से वो कीमत से भी मशहूर है, मतलब क्योंकि इसकी कीमत आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आईफोन्स की, और मैं तो क्वालिटी के साथ बहुत अच्छे खास आपको देखने को मिलेगी, और इसकी जो प्राइस है वो भी हाई देखने को मिलेगी। अगर पुराने मॉडल्स पे भी आप जाते हो तो वही मैं बात तो पुराने मॉडल्स की भी आपको 50,000 से प्राइस आपको देखने को मिलती है जो लाखों तक जाती है, तो आप खुद अंदर जाते हो, इसलिए आपको जो आईफोन से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खरीदना। आखिरकार आप समझ गए आईफोन्स के बारे में, अब आपको एंड्रॉइड में क्या खास देखने को मिलता है, तो वही मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड का, तो वही मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड जो फ़ोन से आपको देखने को मिलता है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है एंड्रॉइड का ही, और वही मैं बात करूँ तो ये जो एंड्रॉइड का आपको सिस्टम देखने को मिलता है ये गूगल का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वही मैं बात करूँ तो ये ओपन सोर्स आपको देखने को मिलता है, वही मैं बात करूँ तो ओपन सोर्स होने के बाद इसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वही मैं बात करूँ तो जैसा आपको बनाना वैसे वो बना सकते, और वही मैं बात करूँ तो ये गूगल के होने के बाद जो भी कंपनी, मतलब जो फ़ोन बनाती है वो कंपनी उसके हिसाब से डालती है, उनको कितना क्या डालना है कितना क्या हिसाब डालना है उसके हिसाब से वो फ़ोन कंपनी उस फ़ोन में डालती है एंड्रॉइड के में। तो एंड्रॉइड की बात करो तो एंड्रॉइड में वैरायटी बहुत है, मतलब आप कम रेंज से लेके हाई रेंज तक भी फ़ोन खरीद सकते हो, तो वो आईफोन में आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको एंड्रॉइड में देखने को मिलता है, कम रेंज से आप हाई रेंज तक जा सकते हो, कहीं पे भी आप चले जाइए आपको लो रेंज से लेके कहीं पे भी आपको फ़ोन हाई रेंज तक देखने को मिल जाएगी, ये भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड में। और बात करो तो एंड्रॉइड में, वही मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड में आप मल्टी सिस्टम आपको देखने को मिलता है, वही मैं बात तो मल्टी काम आप कर सकते हो, मतलब एक बार में आप दो से ज़्यादा काम कर सकते हो एंड्रॉइड फ़ोन में। और वही मैं बात करूँ तो ऐप्स की, तो इसमें ऐप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, फ़ोन के हिसाब से आपको ऐप्स देखने को मिलती है इसमें, और गूगल्स की ऐप तो आपको पहले से ही देखने को मिलेगी क्योंकि एंड्रॉइड आपको देखने को मिलता है, तो वही मैं बात करूँ तो आप खुद अंदर जा सकते हो अगर ऐप की बात करूँ, और ये जो एंड्रॉइड्स होते हैं आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। फाइनली कार मैंने आपको बता दिया आईफोन्स की प्राइस आपको क्यों हाई देखने को मिलती है और एंड्रॉइड की प्राइस आपको क्यों कम देखने को मिलती है, वही मैं बात करूँ तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आईफोन अच्छा आपको देखने को मिलता है या एंड्रॉइड अच्छा आपको देखने को मिलता है। वही मैं बताऊँ तो एंड्रॉइड में आप हर रेंज के स्मार्टफोन खरीद सकते हो, आईफोन में ऐसा नहीं है, आपको आईफोन में ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा जैसे आपको विच चाहिए, और फिर मैं तो एंड्रॉइड में आपको कम में ही देखने को मिलेगा, तो आप सोचो तो कम रेंज में भी आप खरीद सकते हो, लेकिन वही मैं बात करूँ तो लोग ज़्यादा दिखाने के लिए मेरे पास आईफोन है इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा सोचते दिखावे के लिए भी आप समझ सकते हो। वही मैं बताऊँ तो अगर आप एंड्रॉइड खरीदना चाहते हो एंड्रॉइड भी खरीद सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा ही बजट है फालतू का पैसा रहे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आईफोन भी खरीद लीजिए, तो वही मैं बताऊँ तो अगर आप
करीब हो और वही मतलब छोटा मोटा फ़ोन चलाना चाहते हो तो वही मतलब आप एंड्रॉइड पे जाइए, आपको एंड्रॉइड में भी कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, लोगों के चक्कर में भी जाइए पैसे भी देखिए, ठीक है। तो वही मैं बताऊँ इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था और आखिरकार आप समझ गए हो एंड्रॉइड और आईफोन में अंतर क्या आपको देखने को मिलता है। क्या कर फटाफट उठाइए अपने हाथों में फोन, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करिए, और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए इसी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो देखना चाहते हो आई बटन पे एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और फॉलो करिए मेरे को सोशल मीडिया पे जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और यूट्यूब पे तो अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर लिया और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ली होगी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो साथ। कीप स्माइल, कीप सपोर्ट।